दोस्तों ये तो साफ हो चुका है कि फिल्म का बजट चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, सिनेमाघरों में फिल्में वही चलती है जिनकी कहानी में जान होती है। जो फिल्में जनता को पसंद आती है उनको चलने से बॉक्स ऑफिस पर कोई भी नहीं रोक सकता है। जा दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते शुक्रवार यानी कि 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी प्रभास की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष, जिसका फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे। और अब जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है तो फिल्म को सिनेमाघरों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। जा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आदि पुरुष को रिलीज हुआ सिनेमाघरों में छठवां दिन चल रहा है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष अपने पहले 6 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, फिल्म का बजट कितना था। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप प्रभास को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म आदि पुरुष की तो आदि पुरुष का फैंस बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस फिल्म के लिए। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो बस फैंस बस ये चाह रहे थे कि ये फिल्म सिनेमाघरों में आज ही रिलीज हो जाए। लेकिन अब जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है तो फिल्म के देखने के बाद पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है। फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को उस तरह से नहीं बनाया है जिस तरह से फैंस चाहते थे और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर फिल्म का बायकॉट किया जा रहा है, फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। और यही वजह है कि अपने वीकेंड पर प्रभास की फिल्म आदि पुरुष एक अच्छा कलेक्शन करने के बाद अब अपने मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे को यह फिल्म अपने कलेक्शन में बहुत बड़ा ड्रॉप कर रही है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ओम राउत के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी जिसका बजट लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। फिल्म में हमें प्रभास के साथ कृति सेनन और सैफ अली खान अहम किरदारों में नजर आए थे। वहीं अगर मैं बात करूं स्क्रीन काउंट की तो अच्छी खासी स्क्रीनों पर रिलीज, मतलब आप ये समझिए कि कितनी डिमांड थी इस फिल्म की। 6,500 फिल्म के पास स्क्रीन थी इंडिया के अंदर और 3,500 ओवरसीज से, और कुल मिला कि फिल्म 10,000 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। दोस्तों अब अगर बात करूं मैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म ने अपने पहले दिन 94,50,00,000 रुपए की कमाई इंडिया से नेट की थी। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 140 करोड़ रुपए का था। जहां दोस्तों 140 करोड़ रुपए ओपनिंग डे पर यह प्रभास की फैन फॉलोइंग और आदि पुरुष का इंतजार जो फैंस कर रहे थे, ये उसका नतीजा है कि फिल्म ने अपने पहले ही दिन 140 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने इंडिया के अंदर 65 करोड़ रुपए कमाए थे और तीसरे दिन संडे को फिल्म का कलेक्शन रहा था 70 करोड़ रुपए और अपने वीकेंड पर यानी कि संडे तक फिल्म ने 230 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी। तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 340 करोड़ रुपए था। अब आप यहां पे देखिए, गौर करने वाली बात है, अपने वीकेंड पर 340 करोड़ रुपए सिर्फ 3 दिनों में पूरे वर्ल्ड से कमा लिए थे आदि पुरुष ने। अब अगर फिल्म में जान होती तो उसके बाद यह फिल्म क्या करती आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिल्म के साथ क्या हुआ है चलिए मैं आपको बताता हूं। उसके बाद मंडे को अपने वीकेंड से बाहर निकलने के बाद फिल्म का कलेक्शन रहा 16 करोड़ रुपए, संडे के दिन 70 करोड़ और उसके बाद मंडे के दिन 16 करोड़, तो कितना बड़ा ड्रॉप हुआ यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद पांचवें दिन उससे भी बड़ा ड्रॉप, 10 करोड़ रुपए की कमाई। तो अपने पहले 5 दिनों में फिल्म आदि पुरुष ने 256 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे। तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 395 करोड़ रुपए था। उसके बाद अगर मैं बात करूं छठवें दिन यानी कि आज की, तो आज एक बार फिर से ड्रॉप हुआ, यानी कि अब दिन ब दिन सिर्फ फिल्म नीचे और नीचे और नीचे जा रही है। आपको बताता चलूं मैं कि आज फिल्म अपने छठवें दिन 8 करोड़ रुपए कर रही है और फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 264 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रहा है। तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 410 करोड़ रुपए कर रही है। अब दोस्तों आपको कमेंट में बस ये बताना है कि क्या इंडिया की बात तो आप छोड़िए, इंडिया में तो अब ये 500 करोड़ का आंकड़ा कभी छू ही नहीं सकती है, लेकिन क्या वर्ल्ड वाइड में 90 करोड़ बाकी है, क्या वर्ल्ड वाइड में ये फिल्म 500 करोड़ तक पहुंच पाएगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।